मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। यह पाठ एक संस्मरण है। लेखक ने इस पाठ में फादर बुल्के से संबंधित स्मृतियों का वर्णन किया है। फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल को छोड़कर भारत को अपनी कार्यभूमि बनाया। उन्होंने हिंदी भाषा और बोलियों से विशेष लगाव रखा। फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई थी। उनके साथ ऐसा होना ईश्वर का अन्याय था। इसका कारण यह था कि वे सारी उम्र दूसरों को अमृत सी मिठास देते रहे थे। उनका व्यक्तित्व ही नहीं अपितु स्वभाव भी साधुओं जैसा था। लेखक उन्हें 35 सालों से जानता था। वे जहाँ भी रहे अपने प्रियजनों पर ममता लुटाते रहते थे। फादर को याद करना, देखना और सुनना, ये सब कुछ लेखक के मन में अजीब शांत सी हलचल मचा देते थे। उसे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब वह उनके साथ काम करता था। फादर बड़े भाई की भूमिका में सदैव सहायता के लिए तैयार रहते थे। उनका वात्सल्य सबके लिए देवदार पेड़ की छाया के समान था। लेखक को यह समझ में नहीं आता था कि वह फादर की बात कहाँ से शुरू करे। फादर जब भी मिलते थे तो वे जोश में होते थे। उनमें प्यार और ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी ने भी कभी उन्हें क्रोध में नहीं देखा था। फादर वह बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में थे जब वे सन्यासी होकर भारत आ गए। उनका पूरा परिवार बेल्जियम के रैम्स चैपल में रहता था। भारत में रहते हुए अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल और अपनी माँ को प्रायः याद करते थे। वे अपने विषय में बताते थे कि उनकी माँ ने उनके बचपन में ही घोषणा कर दी थी कि यह लड़का हाथ से निकल गया है और उन्हें अपनी माँ की बात पूरी कर दी। वे सन्यासी बनकर भारत के गिरजाघर में आ गए। आरंभ के 2 साल उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। कलकत्ता में उन्होंने BA की पढ़ाई की। इलाहाबाद से MA किया था। उन्होंने अपना शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में पूरा किया था। उनके शोध कार्य का विषय रामकथा उत्पत्ति और विकास था। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का हिंदी में नील पंछी नाम से रूपांतर किया। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। यहाँ रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। रांची में भी उनका स्वास्थ्य खराब रहने लग गया था। फादर बुल्के मन से ही नहीं अपितु संकल्प से भी सन्यासी थे। वे जिससे एक बार रिश्ता जोड़ लेते थे उसे कभी भी नहीं छोड़ते थे। दिल्ली आकर वे कभी बिना मिले नहीं जाते थे। मिलने के लिए सभी प्रकार की तकलीफ़ों को सहन कर लेते थे। ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे हर सभा में हिंदी को सर्वोच्च भाषा बनाने की बात करते थे। वे उन लोगों पर झुंझलाते थे जो हिंदी भाषा वाले होते हुए भी हिंदी की उपेक्षा करते थे। उनका स्वभाव सभी लोगों की दुख तकलीफ़ों में उनका साथ देना था। उनके मुँह से सांत्वना के 2 बोल जीवन में रोशनी भर देते थे। लेखक की जब पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई उस समय फादर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। लेखक को उनकी बीमारी का पता नहीं चला। वह उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली पहुंचा था। वे चिर शांति की अवस्था में लेटे हुए थे। उनकी मृत्यु 18 अगस्त सन 1982 को हुई। उन्हें कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में ले जाया गया। उनमें ताबूत के साथ रघुवंश जी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर सत्य प्रकाश, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, विजेंद्र स्नातक और रघुवंश जी का बेटा आदि लोग थे। साथ में मसीही समुदाय के लोग पादरी गण थे। सभी दुखी और उदास थे। उनका अंतिम संस्कार मसीही विधि से हुआ था। उनकी अंतिम यात्रा में रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह एक छायाधार फल फूल गंध से भरा वृक्ष हमसे अलग हो गया। उनकी स्मृति जीवन भर यज्ञ की पवित्र अग्नि की आँच की तरह सबके मन में बनी रहेगी। लेखक उनकी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से नतमस्तक हैं।